हेलो, हाय दोस्तों। चलो आज अपन चलते हैं पौधों में पानी डालने के लिए और खेतों की तरफ। हम पौधों में पानी डालने के लिए सबसे पहले तो ये बाल्टी लेते हैं और बाल्टी को लेकर चलते हैं। अब इस बाल्टी को मैं उठा लेता हूँ और बाल्टी में थोड़ा पानी था। अब मैं चलता हूँ इस बाल्टी को लेकर के और खेतों की तरफ। तो क्यों ना हम खेतों की तरफ इस बाल्टी को उठाकर चलते हैं। और अब जा रहे हैं हम खेतों की तरफ। इधर से हम खेतों में जा कर के और हम जा रहे हैं खेतों में पौधों में पानी डालने के लिए। इधर पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना और पर्यावरण को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। अतः हम पेड़ पौधों के अंदर कुछ सूखा महसूस कर रहे थे, तो क्यों ना पानी डाल दिया जाए। हम आ गए नाले में और अब यहाँ पर एक जामुन का पौधा है, तो सबसे पहले इस जामुन के पौधे में पानी डालेंगे। इसको पशुओं से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए मैंने कैट से कवर कर रखा है कांटों से। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसके अंदर पौधा है और हमने उसमें ढंग से पानी डाल दिया। ये देखो, हमने खूब सा पानी पिला दिया इसको। और अब चलते हैं एक नींबू के पौधे में पानी डालने के लिए। हमने यहाँ पर एक छोटा सा नींबू लगा रखा है। इधर से चलेंगे और यहाँ हम इस बाड़ में नींबू का पौधा है। देखो ये हरा हरा सा जो दिख रहा है, नींबू का पौधा है इसके अंदर। क्यों ना हम इसमें पानी डाल दें। ये लो सर, इसमें हमने पानी डाल दिया। और अब चलते हैं अन्य पौधों में पानी डालने। हम इस नल से थोड़ा सा पानी और भरते हैं ताकि और दूसरे पौधों में भी पानी डाल सकें। ये नल हम गोद पे आए हुए हैं, वहाँ से इस बाल्टी को फिर से दोबारा भर रहे हैं और अब डालेंगे आम के पौधे में पानी। अब हम जा रहे हैं उधर खेतों में, दूर खेतों में आम का पेड़ लगा रखा है और यह है चने की फसल, बिल्कुल लहरा रही है। यह है अरहर की फसल। जहाँ सामने हरा हरा खेत दिख रहा है उस खेत में चलेंगे। मैंने एक बरसात के दिनों में आम का पौधा लगाया था, अब बरसात कम हो रही है तो क्यों ना उसमें पानी डाल दिया जाए। ये चने की फसल लगी हुई है। चने की फसल में अभी 1 महीने पहले ही बोई थी, अभी ये बड़ी होगी तो आपको चने भी खिलाएंगे। इधर ये है जौ, जौ की फसल है और जौ की फसल हरी हो चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो चने की फसल है ये बिना पानी के होगी। जो बरसात की नमी थी उस बरसात की नमी में ही हमने ये फसल बोई थी। और बोने के बाद इसमें हम पानी नहीं देते क्योंकि ये मिट्टी की प्रकृति ही ऐसी बनी हुई है कि ये पानी की नमी को धारण करके रखती है। और जब तक ये फसल पक नहीं जाएगी तब तक, ये देखो बिल्कुल खुली मिट्टी पड़ी हुई है, तब तक इस खेत में नमी बनी रहेगी। अब हम पहुंच गए हैं आम के पौधों के पास। हाय दोस्तों, हम पहुंच गए हमारे खेत में। ये हमारा सघन खेत, चने की फसल लगी हुई है और ये इस मेड़ पर एक आम का पौधा लगा रखा है। इसके लिए हम पानी लेकर आए थे अभी अभी और अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, हम इस आम के पौधे को पानी पिला रहे हैं। ये देखिए, इस आम के पौधे को हम पानी पिला रहे हैं और
आम का पौधा देखो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। इस आम के पौधे में पानी बह करके देखो बाहर तक आ गया है। यह आम का पौधा बड़ा होगा, यह हमारे ही बड़े आम के पौधे की बीज से तैयार किया हुआ आम है। अब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये भी एक दिन हमें फल खिलाएगा। इसी एक ही गमले में 3-4 पौधे लगे हुए हैं। क्या है कभी कभार दीमक काट जाती है, तो कोई ना कोई एक तो बचेगा ही बचेगा, इसलिए हमने 3-4 बीज बोए थे। अब आगे चलते हैं दूसरे पौधों की तरफ। दोस्तों हमने आज 4-5 रोज़ बाद देखा, ये बेरड़ी का पेड़ लगा रखा था, बेर का पौधा था ये। दोस्तों मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये देखो बेर का पौधा, माय गॉड, सूख चुका है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस पौधे को लेकर के, इसको दीमक काट गई। दीमक के काटने से ये पौधा सूख गया। हमारे क्षेत्र में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, जिससे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। हम मैं खेतों में आया हुआ हूँ दोस्तों, खेतों में काफ़ी सघन हरियाली के साथ मैं आया हुआ था और पौधों में पानी डालने के हिसाब से। तो आज आपको बता दें कि अब मुझे इस फसल की रखवाली अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर जंगली रोंज, जिनको अपन कहते हैं हिरण, वो आने लग गए हैं। अब इस फसल को बड़ा नुकसान करते हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं रोंजड़ा। रोंजड़ा बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इस फसल को काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। हम आपको बता दें रात के समय आते हैं ये सब और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये फसल आपको अभी छोटी है इसलिए ऐसी दिख रही है, छोटी छोटी सी, लेकिन एक महीने बाद काफ़ी सघन फसल हो जाएगी। ये उधर सामने सामने मेरे पापा जी हैं, जो दिन में फसल को देखने के लिए आ जाते हैं, और वो है सामने बड़ी बड़ी सी अरहर की फसल। हमारे यहाँ अरहर बहुत तायात में पाई जाती है, बोई जाती है। देखो सामने बिल्कुल अरहर अरहर, और ये है तारामीरा, और अपने खेत में है चना। चने की फसल में गत वर्ष भी चने बोए थे इसमें, फिर उसके बाद बाजरा, और अब फिर से चने बो दिए। मैंने अपनी पेड़ के ऊपर काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं, ये देखो बीच में भी एक पौधा है बबूल का, और सामने देखो आड़ू का पौधा है, ये सामने आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं, और ये है राज्य वृक्ष खेजड़ा। सामने कोने में जो है वो है खेजड़ा, आपने देखा, ये देखो खेजड़ा काफ़ी सघन पौधा है। मैं खेजड़े को काटता नहीं हूँ मेरे खेत में। एक देखो सामने लंबा सा जो पेड़ है इन दोनों आड़ू के पौधों के बीच में, वो भी खेजड़ा है। मेरे खेत में 3 खेजड़े के पौधे हैं, और ये है खेजड़े का पौधा, ये विशाल वृक्ष है खेजड़े का, इसी के नीचे मैं खड़ा हूँ। दोस्तों इसकी पत्तियों को बकरियाँ खाती है, और हम किसान लोग इनको कटवाते नहीं हैं, खेजड़े को बखूबी ढंग से सुरक्षित रखते हैं। खेजड़ा लंबे समय तक चलने वाला एक पौधा है, जो कि सैकड़ों साल जिंदा रहता है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ा। हम इस फसल को सुरक्षित चाहते हैं, इसके लिए इस फसल को अब सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जंगली पशु आने लग गए, तो जंगली पशुओं से बचाने के लिए मैं यहाँ पे एक झोंपड़ा बनाऊँगा, और उस झोंपड़े में रात भर यहीं सोऊँगा। चारों तरफ देखो यहाँ पर भी चने की फसल है, उधर अरहर के पेड़ हैं, देखो सघन पेड़ जो दिख रहे हैं ये है अरहर के पौधे, ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। अब आगे हम झोंपड़ा बनाएंगे, उसका भी वीडियो डालेंगे। वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।